सरकार की चौपाल को ग्राम प्रधान फेल कर रहे हैं और सरकार के वायदे पर सक्षम अधिकारी खरे नहीं उतर पा रहे हैं। जनता के बीच व्यवस्था कारण सरकार की चौपाल जनता की कानों तक नहीं पहुंच पा रहे, और जैसे जैसे सरकार की चौपाल आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अब ग्राम सभा में ब्लॉक के तमाम अधिकारियां लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला कोपागंज ब्लॉक के भावरकोल ग्राम सभा का है, जहां जनता के बीच संकल्प भारत विकसित यात्रा का कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम में किसी प्रकार का सही ढंग से व्यवस्था नहीं की गई है और कारण ये गांव की जनता नाराज है और सरकार की चौपाल में जमकर शोर मचाए हैं। कई जनता प्रधान की शिकायत करते हुए चौपाल के शोर मचाते हुए अपनी समस्याओं को रखने लगे, जिसको देखकर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। काहे के बोल देना तोरे के दिन हां वही खाली दा खुदाई कई है जबरदस्ती हमारे पांच बनाए ये न खुआ दे से बैठा दी तो कर दे आया ना ये आया ना कर ना बात को देने भरन पूजा के को किया बिना दौरी पर किया उठो ठीक है सब बात कर क्या था। आज ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत यह कार्यक्रम था, जिसमें भावरकोल ग्राम सभा के सभी लोग आए थे और केंद्र सरकार की उन सभी जन कल्याणकारी योजनाओं से उनको अवगत कराया गया। अधिकांश लोग लाभ पा रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो लाभ सभी वंचित भी हैं, जो पात्र भी हैं उनको योजनाओं का लाभ मिल सके इसकी व्यवस्था की गई है और इसीलिए विशेष रूप से यह कार्यक्रम भी है। अगर देखा जाए तो तीन ग्राम सभा में ये दिख रहा है कि जनता के बीच आवाज़ नहीं पहुँचता है, जो चौपाल का मतलब होता है जनता के बीच आवाज़ पहुँचे। कहीं न कहीं कुछ प्रधान अधिकारी द्वारा व्यवस्था, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्था के चुप हो जाने कारण जनता के बीच आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। जनता नहीं, अधिकांश जगह तो गाँव के लोग आ रहे हैं, अब शत प्रतिशत उपस्थिति नहीं संभव है। जनता के बीच कई जगह से थोड़ी सी लापरवाही दिख रही है। थोड़ा साउंड का हल्का था, वो हल्का भी नहीं था, ठीक था। जैसे कि मैं बोला हूँ तो पूरी आवाज़ आ रही थी ना, वो थोड़ा आजकल का जो माइक है थोड़ा उसका बोलने का तरीका थोड़ा मुंह के ऐसे करके बोलने पर ठीक आवाज़ आती है, तो साउंड की हम दिक्कत नहीं बताएंगे। वो थोड़ा सा बोलने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। तो सर क्या आगे से क्या हो, आगे जिसे और ग्राम सभा में सर जनता की देख रहे जनता भी।